सब लोगों को नमस्कार। आज सातवें राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आप सब लोगों का स्वागत है। आज से 6 साल पहले आप लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आप लोगों ने नहीं बनाई थी, देश के लोगों ने बनाई थी। अन्ना आंदोलन से हमारी पार्टी निकली थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से। और जब पार्टी बनी थी, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इस पार्टी का कोई भविष्य है। लेकिन पिछले 6 साल के अंदर जो जो काम हुए पार्टी के स्तर पे भी और जो हमारी सरकार बनी उसके स्तर पे भी, वो आज किसी चमत्कार से कम नजर नहीं आते। खासकर दिल्ली सरकार अभी दूसरी बार 4.5 साल पूरे होने वाले हैं हमारे, 4 साल पूरे होने वाले हैं फरवरी में। इन 4 सालों के अंदर दिल्ली में जो भी काम हुए हैं वो ऐसे अभूतपूर्व काम हैं जो दूसरी पार्टियों ने 15-15 साल तक, 20-20 साल तक, गुजरात में तो कितने साल हो गए बीजेपी को, 30 साल हो गए हैं, 25 साल, 22 साल, गुजरात में 22 साल हो गए। आप गुजरात के स्कूल जाके देख लो और दिल्ली के स्कूल देख लो, जो काम वो लोग 22 साल में नहीं कर पाए, जो काम कांग्रेस और बीजेपी वाले मिलके 70 साल में नहीं कर पाए, वो काम हम लोगों ने 3 साल के अंदर करके दिखा दिया। तो पहली चीज तो ये है कि आप सब लोगों को गर्व होना चाहिए, अपनी कॉलर ऊंची करके चला करो बाहर जब कोई मिले तो। कोई बीजेपी कांग्रेस वाला मिले तो उससे सीधा बस यही प्रश्न पूछा करो, चल तेरे राज्य के स्कूल देख के आते हैं और तेरे को मैं अपने राज्य के स्कूल दिखाता हूँ। बोलो, बाकी सारी बातें को उलझाने की कोशिश करते हैं, वो आपको तरह तरह की चीजों में उलझाने की कोशिश करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। उनको बोल बाकी सारी चीजें छोड़, तुम्हारे 20 साल के राज और हमारे 3 साल का राज कंपेयर करके देख लो कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो पहली चीज तो इस बात पे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप आम आदमी पार्टी में हो। दूसरी चीज, 70 साल में, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि हमारे बाद बहुत सारे देश आजाद हुए, कई सारे ऐसे देश थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गए थे, जापान, जर्मनी, लेकिन आज 70 साल के बाद वो सारे देश हमसे कहीं आगे निकल गए, भारत पिछड़ गया। हमारे देश में इतने लोग अनपढ़ हैं, इतने लोग गरीब हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? कई बार ऐसे लगता है ऐसा क्यों हुआ, हमारे में कमी है क्या? फिर जब बैठ के सोचो तो हमारे में तो कमी नहीं है, इस देश के लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं, खूब काम करना चाहते हैं। हमारे देश की राजनीति खराब है। अगर ये राजनीति ठीक होती तो अब 3 साल में करके दिखा दिया। पहले तो लगता था यार कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता होगा, लेकिन 3 साल में करके दिखा दिया तो लगता है हो तो सकता है, हमारा भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। लेकिन नेताओं ने और पार्टियों ने मिलकर इस देश का कबाड़ा कर दिया। तो जो सबसे बड़ा काम आपकी पार्टी ने किया है वो ये कि एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा की है इस देश के अंदर कि देश सुधर तो सकता है, सरकारी स्कूल अच्छे हो तो सकते हैं, सरकारी अस्पताल अच्छे हो तो सकते हैं, बिजली सस्ती हो तो सकती है, बिजली 24 घंटे भी मिल सकती है, घर घर में पीने का पानी भी आ सकता है, शहीदों का सम्मान भी हो सकता है, किसानों की आत्महत्या बंद भी हो सकती है, खेती अच्छी भी हो सकती है। ये उम्मीद आपकी पार्टी ने पैदा की है जो बहुत बड़ी बात है। सत्तर साल में ये देश नाउम्मीद हो चुका था। 70 साल में लोगों को लगता था यार कुछ नहीं हो सकता। 70 साल में देश की राजनीति ऐसे हो गई थी भी 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल ये, 5 साल वो। अभी भी जो 3 राज्यों के चुनाव आए हैं, उन 3 राज्यों के चुनावों के नतीजे क्या दिखाते हैं? वो कांग्रेस की जीत नहीं हुई है, बीजेपी की हार हुई है। लोगों की मजबूरी होती है भाई, इस बार बीजेपी को रहेंगे, इस बार कांग्रेस को रहेंगे, इस बार बीजेपी को रहेंगे, इस बार कांग्रेस को रहेंगे। बस हर बार वोटर हराने के लिए वोट देता है।
पहली बार दिल्ली में लोगों ने जिताने के लिए वोट दिया था, नई पार्टी थी, 67 सीट दी थी और लोगों की उम्मीदों पे आज खड़े उतरे हम। और आज दिल्ली के अंदर किसी से पूछ लो, सारे लोग एक ही बात कहते हैं, जी आम आदमी पार्टी रिपीट होगी, दोबारा इनकी सरकार बनेगी। लोग पहले कहा करते थे 5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, दिल्ली के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। हमारे पास सत्ता थी, उस सत्ता का हमने सदुपयोग करके ऐसा माहौल पैदा किया कि लोगों को आज हमसे प्यार है, दिल्ली के अंदर लोग हमसे प्यार करते हैं, दिल्ली के अंदर लोग हमारे साथ हमारी इज्जत से हमारा नाम लेते हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो तब होगी ना जब तुम चोरी चकारी करोगे, उल्टे काम करोगे, लोगों को लूटोगे। आप लोगों की सेवा करो ना, भगवान ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया, 5 साल सेवा करके दिखाओ, तो एंटी इनकम्बेंसी क्यों? मेरे को तो लगता है जहां एक बार मौका मिल जाए, जनता मौका दे दे, उसके बाद तो आपकी सरकार जानी नहीं चाहिए अगर आपकी नियत ठीक है। लेकिन ये 4 साल के अंदर पूरा देश देख रहा है कि इन्होंने हमारे काम में रोड़ा अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत क्या दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा आज भी और पास्ट में भी, जिसके पास अपने चपरासी की ट्रांसफर करने की भी पावर नहीं है। आज सारे अफसरों की, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफर करने की पावर केंद्र के पास, और उनसे काम करने की जिम्मेदारी हमारी। वोट जनता ने हमको दिया लेकिन पावर सारी उनकी। मनीष सिसोदिया जी ने इतना शानदार काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, तो जो शिक्षा विभाग में कर्मचारी थे, अधिकारी थे, केंद्र सरकार ने उन अधिकारियों को हटा के सबसे गंदे अधिकारी वहां पोस्ट कर दिए जो कोई काम ना करें, लेकिन उनसे भी काम कराना है मनीष को। हेल्थ में हमने इतना अच्छा काम किया, हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने जानबूझ के सबसे गंदे अधिकारी वहां पोस्ट कर दिए, जो ये मतलब उनसे मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां हो, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर आए, ये इंश्योर करने के लिए उनसे जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो हम ही जानते हैं कि ये 3 साल 4 साल के अंदर किस तरह से हमने केंद्र सरकार की तानाशाही को बर्दाश्त किया है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद, और इतना ही नहीं, हमें सारी एजेंसी से तंग करवाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे ऊपर सीबीआई की रेड हुई, मेरे ऊपर सीबीआई की भी रेड हो चुकी और पुलिस की रेड भी हो चुकी। दिल्ली पुलिस मेरे घर पे रेड करती है, सिटिंग मुख्यमंत्री कोई, मैंने चोरी नहीं करी, चकारी नहीं करी, कुछ नहीं करी, और मेरे पूरे बेडरूम किचन सारे छान के आई है दिल्ली पुलिस यहां पे। तो वो क्या था? वो ये दिखाना चाहते हैं, ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, इंसल्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो अन्ना जी ने पाठ पढ़ाया था, हमने उस पर चूं भी नहीं करी। अन्ना ने कहा था कि अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए, अपमान पीने की शक्ति का क्या मतलब है कि अगर कोई आपका पर्सनल अपमान करे, मेरा अपमान करे, मेरे को ये रोज खड़े होकर गालियां देते हैं। अभी मैं परसों, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, परसों एक गडकरी साहब के साथ प्रोग्राम था, वहां पे सारे बीजेपी वाले आए हुए थे, उन्होंने मेरी खांसी का मजाक उड़ाना चालू कर दिया, पर मैंने उसको मुद्दा नहीं बनाया। अगर अन्ना जी कहते थे कि अगर आपका व्यक्तिगत कोई अपमान करे तो उसको भूल जाओ, उसको पी जाओ, क्योंकि व्यक्तिगत अपमान के ऊपर अगर आप बदला लेने लग गए तो सुबह से शाम तक कभी इससे लड़ोगे, कभी उससे लड़ोगे, कभी इससे लड़ोगे, कभी उससे लड़ोगे। लेकिन अगर आपके देश का कोई अपमान करे तो सर कटाने के लिए खड़े हो जाओ, देश का अपमान बर्दाश्त मत करना, समाज का अपमान बर्दाश्त मत करना, लेकिन पर्सनल अपमान पीने की शक्ति होनी चाहिए। तो इन्होंने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोगों की। मेरे ऑफिस पे रेड करा दी, मेरे घर पे रेड करा दी, मनीष जी के ऊपर रेड करा दी, सतेंद्र जैन पे 2 बार रेड हो चुकी, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। हमारे एमएलएस को गिरफ्तार कर लिया, कई कई एमएलएस को गिरफ्तार किया। एनडी गुप्ता जी जानते हैं, अब ट्रेजरर हैं, हमारे सारे अकाउंट्स हर साल के खोल दिए इनकम टैक्स वालों ने, इनकम टैक्स वाले जांच कर रहे हैं, ईडी वाले जांच कर रहे हैं। हमारी 400 फाइलें केंद्र सरकार ने मंगा के
दिल्ली सरकार की 400 फाइलें मंगाई उन्होंने। उनको लगा कहीं ना कहीं इनके किसी ना किसी मंत्री ने गड़बड़ कर रखी होगी फाइल। 400 फाइलें मंगा के उन्होंने जांच करी, कुछ नहीं मिला फाइलों में। तो आज हमारे पास ईमानदारी का सर्टिफिकेट मोदी जी ने दिया उनको, किसी और ने नहीं दिया। मैं तो हमेशा कहता हूं मोदी जी अपनी 4 फाइलें दिखा दे हमको, जेल में ना हो तो देख लेना। हमारी 400 फाइलें देख ली तो आप भी 4 फाइलें तो दिखाओ। एक राफेल डील की फाइल दिखा दो, एक वो सारा बिड़ला वाली दिखा दो, दो ही फाइल दिखा दो, देखो हम आपको जेल ना भेज रहे हैं। तो दोस्तों इन सारी कठिनाइयों के बावजूद आज हम इनका मुकाबला भी कर रहे हैं और जनता की सेवा भी कर रहे हैं। एक चीज बस हमेशा ख्याल रखना, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो बहुत कठिनाइयां आती है। सच्चाई का रास्ता कांटों भरा है, तो ये कठिनाइयां तो आनी थी। और ये केवल बीजेपी नहीं कर रही, ये सारे एक जैसे हैं, ये सारे मिलके हमारे, मेरे ऊपर पुलिस की रेड होती है तो सबसे पहले कांग्रेस ही खड़े होकर जश्न मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं। तो ये सारे एक जैसे हैं, सारे मिले हुए हैं ये लोग, तो सारा का सारा सिस्टम आपके खिलाफ है। लेकिन जब आप इस रास्ते पे चले हो तो ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि भाई हम बहुत बड़ी शक्तियों का सामना कर रहे हैं, इस देश को मुक्ति दिलानी है। ये हमारे लिए हमेशा पार्टी बन गई, इसका मतलब ये नहीं, हमेशा ही हमारे लिए आंदोलन और क्रांति रहेगा। और तन मन धन से अपने आप को सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों कल रात को इन्होंने हरियाणा में हमारे 35-40 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अभी अभी सुबह खबर आई जब मैं सो के उठा, 1 बजे 2 बजे। क्यों, उन कार्यकर्ताओं का क्या कसूर था? कहीं से कोई पोस्ट आई थी बता रहे हैं जिसमें लिखा हुआ था कि खट्टर केवल पंजाबियों का मुख्यमंत्री है। ये एक धारणा है भी पूरे हरियाणा के अंदर, यहां पे हरियाणा के कई लोग आए होंगे, मैं एक हरियाणा में ये धारणा है भी। और ये वो नहीं कह रहे, खट्टर साहब खुद अभी करनाल में मेयर का चुनाव था, खट्टर साहब जाके बोले मैं तो पंजाबी हूं, पंजाबी मेरे को वोट दो। अरे जब तुम खुद बोल रहे हो, तुम जातिवाद फैलाते हो, तुम फैलाते हो जातिवाद, और फिर गिरफ्तार हमारे लोगों को करते हो। तो उसमें यही लिखा हुआ था भाई, चौटाला कहता है मैं जाटों का, तू कहता है मैं पंजाबियों का, तो बाकी जाति वाले कहां जाएंगे, बनिए कहां जाएंगे, ब्राह्मण कहां जाएंगे, ठाकुर कहां जाएंगे, दलित कहां जाएंगे, SC ST कहां जाएंगे, वाल्मीकि कहां जाएंगे, यादव कहां जाएंगे, सैनी कहां जाएंगे। और अगर तू खुल के कहता है पंजाबियों का मुख्यमंत्री हो, तो अगर जनता उस पर ऑब्जेक्शन करती है तो तू गिरफ्तार करवाएगा रात को भी। 40 हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए। पूरे देश में इन्होंने आतंक का माहौल बना रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हो रहा है, हम रोज देखते हैं किस तरह से लिंचिंग हो रही है, किस तरह से एक पुलिस वाले को नहीं बख्शा इन्होंने, पुलिस वाले का कत्ल करा दिया। तो आज चैलेंज हमारे सामने बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों से हम लोग जूझ रहे हैं। इसको समझ के और अपना सर्वस्व न्योछावर करने की क्षमता रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। पूरे देश के अंदर आज आम आदमी पार्टी के कामों की चर्चा है, लेकिन ये काम कोई 4 पाइपलाइन डलवा दी, 4 स्कूल बनवा दिए, ये छोटी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि देश के अंदर जो एक माहौल था, आज हमने देश के अंदर ये उम्मीद पैदा की है कि जानबूझ के 70 साल में हमारे देश को अनपढ़ रखा गया था, जानबूझ के रखा गया था, जानबूझ के हमारे देश को 70 साल में हमारे अस्पताल जानबूझ के खराब रखे गए थे, 70 साल में जानबूझ के इन लोगों ने हमारे देश को गरीब रखा था, किसानों को गरीब रखा था। आज हमारी 4 साल की सरकार ये दिखाती है कि 5 साल, मात्र 5 साल के अंदर अगर केंद्र में अच्छी सरकार आ जाए, मात्र 5 साल के अंदर देश को हम दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं, संभव है, हम कर सकते हैं। ये हमारे 4 साल के कार्यकाल ने दिखाया है। तो दोस्तों हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। जितनी कठिनाइयां आपकी आती हैं, आप ये मान के चलो वो कठिनाइयां केवल ये दर्शाते हैं कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। जिस दिन कठिनाइयां आनी बंद हो गई, आप सोच लेना कि रास्ता भटक गया, कुछ आसान रास्ता मिल गया। तो कठिनाइयां आएंगी, इस समझ के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, अंतिम सांस तक हम इस देश की सेवा करते रहें, ऐसी प्रभु से कामना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।